लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा के सांसद कंगना रनौत की एक टिप्पणी को लेकर बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह निरस्त किए जा चुके तीनों काले कृषि कानूनों को फिर से लाना चाहते हैं या नहीं। आप फिर से बदमाशी तो नहीं करेंगे? गांधी ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री ने उन कानूनों को फिर से लाने जैसा कोई कदम उठाया तो इंडिया गठबंधन उसका पुरजोर विरोध करेगा और उन्हें एक बार फिर माफी मांगनी पड़ेगी। कंगना रनौत ने मंगलवार को कहा था कि किसान भारत की प्रगति के शक्ति स्तंभ है। केवल चंद राज्यों में ही उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध किया। मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि किसानों के हित में इन कृषि कानूनों को वापस लाया जाए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद भाजपा सांसद ने 2021 में निरस्त किए गए कृषि कानूनों को वापस लाने की मांग संबंधी अपना बयान बुधवार को वापस ले लिया और कहा कि ये उनके निजी विचार हैं और पार्टी के रुख को प्रदर्शित नहीं करते हैं। गांधी ने एक वीडियो में कहा कि भाजपा के लोग विचारों को लेकर जांच परख करते रहते हैं। वे किसी से कहते हैं कि सार्वजनिक रूप से विचार रखिए और फिर देखते हैं कि प्रतिक्रिया क्या होती है। यही हुआ है। इनके एक सांसद ने काले कृषि कानूनों को फिर से लाने की बात की है। उन्होंने कहा कि मोदी जी स्पष्ट कीजिए कि क्या आप उन कानूनों को फिर से लाना चाहते हैं, क्या आप फिर से बदमाशी तो नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद किसानों के लिए संसद में 2 मिनट का मौन भी नहीं रखने दिया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर पोस्ट किया कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी? 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत को लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भाजपा का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। यदि किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी।